मोदी कैबिनेट रविवार को शपथ ले चुकी है, लेकिन सोमवार की सुबह से ही छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में दो महत्वपूर्ण सवाल उठने लगे। पहला तो ये कि छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को मौका क्यों दिया गया, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर नेताओं को आखिर क्यों साइड कर दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 साल और छत्तीसगढ़ में 15 साल मंत्री रहे, 40 सालों से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और अब भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मगर अब वो सिर्फ सांसद रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को आखिर मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार संगठन में सिर्फ एक ही पैटर्न में काम हो रहा है और वो है नए लोगों को मौका दो। अनुभवियों का बैलेंस बनाया जा रहा है, मगर शक्ति का बड़ा हिस्सा नए हाथों में है। जब साय मंत्रिमंडल बना तो इसका उदाहरण भी हमें देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सामाजिक समीकरणों को समझकर किया है। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने तोखन साहू समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में समाज को साधने का काम किया है और यही वजह है कि तोखन को पद मिला और बाकी नेताओं को कुछ नहीं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी शामिल है। लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाना हैरान नहीं करता है, मगर अकेले उन्हें बनाना हैरान करता है। इससे साबित होता है कि मोदी की ताकत कमजोर नहीं हुई है, वो जो फैसला करते हैं वो पार्टी में होता ही है। पार्टी के भीतर मोदी जैसे फौलादी पकड़ रखते हैं, नतीजे आने के बाद भी वो उसी प्रकार से अब भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बच जाने के बाद दक्षिण की राह भाजपा के लिए कितनी कठिन हो गई है। रायपुर दक्षिण की सीट से विधायक बनने वाले बृजमोहन जीत की गारंटी रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस सीट को बतौर विधायक छोड़ देंगे या बदले समीकरणों के हिसाब से अपनी सांसदी को जाने देंगे। नियमों के मुताबिक सांसद बनने के बाद विधायकी छोड़नी पड़ती है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल निकल कर ये सामने आ रहा है कि बृजमोहन अगर हटेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो बृजमोहन की तरह होगा या नहीं, उसे जनता स्वीकारेगी या नहीं। 5.75 लाख के अंतर से रायपुर लोकसभा जीतना बृजमोहन के चुनाव लड़ने की वजह से ही संभव हो पाया है। क्या वोटर इसी तरह भाजपा को इस सीट पर बिना बृजमोहन के स्वीकारेगा? ये तमाम समीकरण दक्षिण की जीती हुई सीट पर टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन को वोटर्स ने इस सोच के साथ वोट किया था कि शायद उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिले, जो हो ना सका। 2018 में विधानसभा चुनाव जब सामने आए तो पिछले 15 सालों से सत्ता का सुख भोग रही भाजपा को वोटर ने सिर्फ 15 सीटें दी। जब भाजपा का हर बड़ा नेता चुनाव हार गया, जब रायपुर की सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने, तब बृजमोहन अग्रवाल अकेले थे जो दक्षिण की सीट जीतने में कामयाब रहे। सांसदों को लेकर ये देखा गया है कि उनका जनता से कनेक्शन उतना नहीं हो पाता है जितना विधायक या मंत्रियों का होता है। बृजमोहन एक्टिव राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। अब तक देखा गया है कि सांसद कुछ चुनिंदा बैठकों में दिखते हैं, संसद में भी सक्रियता छत्तीसगढ़ की ज़्यादा नहीं दिखाई देती। ऐसे में आगे बृजमोहन का क्या होगा, ये सवाल उनके समर्थकों को निराश कर रहा है। अब ऐसे में आप लोगों के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल को क्या करना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि केंद्र में बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री बनाया जाना चाहिए था, इस पर भी कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।